हमीरपुर शहर का टनों के हिसाब से रोजाना कूड़ा करकट के लिए बनाए गए बजूरी स्थित कूड़ा संयंत्र के विरोध में ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा कूड़ा संयंत्र को यहां से कहीं और शिफ्ट करने के लिए एनजीटी के पास भी आवेदन किया है, जिसके चलते मामला अब विचाराधीन है। लेकिन आजकल कोरोना और बरसात के समय में कूड़ा संयंत्र से हो रही समस्या से ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस कूड़ा संयंत्र से निकलने वाला गंदा पानी 50 से ज्यादा पेयजल योजनाओं को दूषित करता है, जिसके चलते बीमारियों के फैलने का भय बना हुआ है। दगनेड़ी के बाशिंदों ने नगर परिषद के कूड़ा संयंत्र को आवाज बुलंद की है। लोगों का कहना है कि जब से कूड़ा संयंत्र प्लाट लगाया गया है, तब से ग्रामीणों के लिए समस्या बनी हुई है। उन्होंने बताया कि लोगों को तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं और गांव में कई गाय भैंसे भी मर चुकी हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कूड़ा संयंत्र को यहाँ से हटाया जाए। पोस्ट ऑफिस में रिटायर हो गया 2007 में। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि जब मतलब बनने लगा था तो मैंने मतलब फैक्स भेजी मुख्यमंत्री वीरभद्र को और प्रधानमंत्री को, जब मनमोहन था, तो मैंने बोला कि मतलब ये मतलब जो चारों मतलब इसे चार पांच पंचायती हैं जो पानी पीती हैं और ये गंदगी जो फेंक रहे हैं सड़े पानी या कई जगह और बनाओ, ताकि मतलब वह जनता जो है ठीक पानी पिए, ताकि मतलब डंगर भी सारे हर कोई बीमार ना हो। इस वक्त हमारी याद है मेरी 3 गाय 50-50 हज़ार रुपये की मर गई, समझे, और मतलब इस घाट डालने के लिए के। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जितनी बड़ी आया कि इन्होंने कोई सुनाई नहीं की, और हम पूरे गांव वाले जो हैं बड़े दुखी हैं, इस करके इस को यहाँ से शिफ्ट कराया जाए, कोई और जगह कोई चीज़ यहाँ बनाई जाए जो कि गांव के वालों को डंगरों से बचने के लिए, आदमी को बचने के लिए, बीमारियों को ना बचने के, बीमारी ना फैलने के लिए बजाय कोरोना हो रहा है, यही बीमारी है। तो ये मेरी बाकी आपसे गुजारिश है, बाकी धन्यवाद, मेरी सुनाई जो है ऊपर तक जाए और आपका आशीर्वाद, आपको भी आशीर्वाद। महिला रीता शास्त्री ने बताया कि कूड़ा संयंत्र को हटाने के लिए मामला एनजीटी में भी उपचाराधीन है। उन्होंने बताया कि एनजीटी ने भी नगर परिषद से इस बारे जवाब मांगा है और 17 नवम्बर का समय दिया है। उन्होंने कहा कि कूड़ा संयंत्र की वजह से ग्रामीण बहुत परेशान हैं और इस बारे में विधायक नरेंद्र ठाकुर से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं हुआ है। जी, मेरा नाम रीता शास्त्री, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। तो यहाँ का ये है कि हमने केस एनजीटी में डाला हुआ है, तो उसकी हियरिंग थी, फर्स्ट हियरिंग जो थी वो थी 14 जनवरी को। 14 जनवरी को इनको बोला हुआ था कि अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है सभी को कि आपने रिप्लाई देना है 27 मार्च से पहले, इनका कोई रिप्लाई नहीं गया है। अब हमारे पास वो उनकी हियरिंग हुई है 11th को, अगस्त को, तो उस हियरिंग में इनसे दोबारा जवाब मांगा हुआ है, तो 27 दिसंबर दी है उन्होंने, ना सॉरी 17th नवंबर दी हुई है इनको डेट जो भी दी हुई है। चलो वो जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अब तो हद ही है, ऊपर तक कूड़ा ले आए हैं, इतना गंदा पानी है। मैं आपको वो वीडियोस भी वो कर दूंगी, सेंड करूंगी, उस में देखना कि ये जो बीच में डंगा है एक, उसके नीचे जो काला पानी और बुरी तरह से जा रहा है, कितने लोग बीमार पड़ेंगे, क्या हालत होगी, कौओं ने फसल सारी बर्बाद कर दी। हम किस किस को बोलेंगे कि हाँ जी देखो आके। अब परसों ही हम नरेंद्र ठाकुर जी के पास गए थे, तो उन्होंने बोला है कि कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, तो अब देखो क्या सॉल्यूशन निकालते हैं। हम तो ये बोलते हैं कि उठाओ इसको, ज़्यादा अच्छा होगा, और इससे पहले कि एनजीटी का कोई फैसला आए, आप लोगों को उठाना ज़बरदस्ती पड़े, तो उससे पहले मैं तो हाथ जोड़ के सभी को बोलती हूँ कि इसको उठाओ और यहाँ से जो भी कर सकते हो वो करो, हमें क्लीन चाहिए ये जगह, हम नहीं रह सकते यहाँ से। आप बिल्कुल सामने देखेंगे एक घर है, ये 3-4 फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं, उनका तो हालात ही खराब है बदबू के कारण।
500 मीटर की, 500 क्या बाई एयर, 50 मीटर है, 50 मीटर बाई एयर जो है 50 मीटर है वो, तो कम से कम इतना तो सोचो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हर बार यही बोलते बोलते थक जाते हैं, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो, कोई देखता ही नहीं है। 4 दिन के लिए इनके ऑफिसर्स आते हैं तब इनकी यहाँ पे सफाई होती है, उसके बाद कोई क्लीनिंग नहीं, कोई मतलब नहीं है कि ये जो भी है हालत ख़राब कर देते हैं यहाँ पे। आज भी जो जगह है इनकी जिसमें इन्होंने वेस्ट जो डालना है उसमें उन्होंने तो लोग बसा रखे हैं। अरे तुम लोग इसको, अपनी जो लेबर है इसको बाहर कमरे दिलाओ ना, हमारे इसमें क्यों, या तो इसको चलाने तो प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं चला रहे हैं ये। हम तो ये मांग करते हैं कि अब तो ये उठना चाहिए, अब कोई ये नहीं है, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और सबसे ज़्यादा बेटर है कि उठा लो, उठा लो, उठा लो, बस। इन्होंने गाय पाली हुई है, बकरियां पाली हुई हैं, इनको या तो टोकन लगवाएं, ये लेबर वाला लेबर क्लास ने जो लगाई हुई है, तो इनको जो है टोकन लगवाएं या इनको हटाएं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे इनका तो मतलब ही नहीं बनता कि गाय भैंसे पालो तुम लोग। अब किसान है, अब खेतों में जिनके पास एक एक नाल जमीन है वो उसके बाद तो यहीं पे आएंगे, जंगल में ही आएंगे घास काटने। अब इनकी गाय बकरियां सारी चर जाएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? हमें तो समझ नहीं आता कि क्या चाहते हैं ये लोग, क्या नहीं चाहते हैं ये। तो ईओ साहब को भी स्टेप लेना चाहिए अपना। हाँ जी, ये डस्टबिन में ना ये कूड़े, सॉरी कुत्ते वगैरह फेंक जाते हैं, और कई मरे हुए कुत्ते, इतनी स्मेल होती है, कीड़े पड़े होते हैं। फिर 2-3 बार तो इन लोगों को हमने बोला कि उठाओ इनको यहाँ से, कहीं और डिस्पोज करो। अब मेरे को तो लगता है ये तो ओपन में फेंक रहे हैं, तो ओपन में फेंक रहे हैं तो नीचे पानी कौन पी रहा है, इतना गंदा पानी पी रहा है ये सारे लोग, तो इसको जो है उठाना चाहिए यहाँ से। ग्रामीणों का कहना है कि कूड़ा संयंत्र की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और लोगों को कई प्रकार की बीमारियां भी लग रही हैं। उन्होंने कहा कि कूड़ा संयंत्र को यहां से हटाया जाए। सर हमें ये सबसे बड़ी समस्या है, ये समस्या हमें नहीं, ये पूरे गांव को है, पूरे गांव के सभी लोगों को है। एक तो जब से ये प्लांट लगा है तब से यहाँ पर कोई इसकी देख रेख नहीं हो रही है, यहाँ पे प्लांट में कोई भी ढंग से काम नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि साथ में यहाँ पे घर हैं, तो यहाँ पर ये जो कूड़ा फेंक रहे हैं, जो भी गंदगी आती है, यहाँ पर पशु पक्षी लग रहे हैं, तरह तरह के पक्षी लग रहे हैं, यहाँ से सारी गंदगी उठा करके गाँव में फेंक रहे हैं। तो सारी गंदगी गाँव में फेंकने से जितने भी गाँव के लोगों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। पक्षी जो गंदगी फेंक रहे हैं उसको पशु माल जो भी डंगर हैं उसको खा रहे हैं। गाँव में कईयों की गाय भैंसे जो हैं इसी बीमारी का शिकार होकर के कई गाय भैंसे जो हैं वो मर गई हैं। तो आगे भी कई इस प्रकार की कई समस्याओं का जो है वो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारी प्रशासन से सभी गांव वालों की यही मांग है कि इसको यहां से हटाया जाए, और जिससे जो है गांववासी जो हैं वो सही ढंग से रह सकें। पानी दूषित हो रहा है, इस प्रकार की कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमें। समस्या ये बहुत बड़ी समस्या है, तो इससे है कि यहां से मक्खियां, मच्छर और सारा कुत्ते, यहाँ पे बहुत प्रकार के कुत्ते यहाँ घूम रहे हैं, और जो लोग यहाँ से वो बाजार से ला रहे हैं डस्टबिनों में, यहाँ सारे रास्ते में बोरियों में भर भर के सारे रास्ते में फेंक दे रहे हैं, जिससे हमारे रास्ते में चलना भी बहुत मुश्किल है, बदबू आ रही है डस्टबिनों में, कुत्ते यहाँ से वहाँ सारी सड़क के किनारे फेंक जा रहे हैं। हाँ जी, इन डस्टबिनों को भी हटाया जाए यहाँ से। और यहाँ पे इन्होंने बकरियाँ भी पाल रखी हैं, भैंसे पाल, गाय भी पाली हुई है, तो या इसका प्रबंध भी ये कमेटी वाले करें या ये खुद अपने स्तर पर करें, हमारे घास को बर्बाद ना करें। वहीं हमीरपुर नगर परिषद ईओ केएल ठाकुर की माने तो वर्ष 2004 से दगनेड़ी में कूड़ा संयंत्र स्थापित किया गया। नगर परिषद द्वारा यहाँ समय समय निरीक्षण किया जाता रहा, मक्खी मच्छरों से बचने के लिए छिड़काव किया जाता है। ईओ ने माना कि गंदे पानी की समस्या को लेकर जल्द रिटेनिंग दीवार लगा दी जाएगी। देखो ये जो दगनेड़ी में हमारा कूड़ा कचरा संयंत्र है, ये वर्ष 2004 से इसमें काम शुरू है, ये 2004 का बना हुआ है, और वहाँ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं ये शुरू से ही उनकी मांग है कि इसको यहाँ से हटाया जाए। जबकि इस कूड़ा कचरा संयंत्र का हम समय समय पर निरीक्षण करते हैं, यहाँ पर हमने 74 फीट्स बनाए हैं,
और उसमें कंपोस्टिंग तैयार की जा रही है। समय समय पर वहाँ हम इंजेक्टिसाइड स्प्रे करवा रहे हैं, मक्खी मच्छर को वहाँ हम नियंत्रित करने के लिए दवाई वगैरह स्प्रे करवा रहे हैं समय समय पर। और ये लोग जो हैं ये बेवजह हमें कई सालों से तंग कर रहे हैं। अभी तक इसका इंस्पेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी किया था, जॉइंट इंस्पेक्शन हुई थी, उन्होंने कुछ निर्देश दिए थे, वहाँ बाउंड्री वाल की प्रॉब्लम थी, वो हम उसका टेंडर लगाने जा रहे हैं अभी, तो शीघ्र ही हम बाउंड्री वाल लगा देंगे। बाकी रही वहाँ सफाई व्यवस्था की बात या कोई ये है तो उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट कर। गौरतलब है कि बजूरी स्थित कूड़ा संयंत्र के विरोध में पिछले काफी समय से लोग डटे हुए हैं और अब मामला एनजीटी के ध्यान में आने से ग्रामीणों को कुछ उम्मीद जगी है। वहीं जिला प्रशासन और नेताओं के पास जाकर ग्रामीण थक चुके हैं और कूड़ा संयंत्र की वजह से ग्रामीणों को गंदगी के आलम में दिनचर्या गुजारनी पड़ती है।